दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। चुनावी मोड में हरियाणा आ रहा है पूरी तरह से। पूरे हरियाणा के अंदर इस समय अगर कोई रंग है तो वो चुनाव का रंग है, क्योंकि त्योहारी सीजन अभी आने में देर है और चुनाव से बड़ा पर्व खासकर भारत के अंदर कोई होता नहीं। अभी लोकसभा चुनाव के महापर्व से पूरा देश फ्री हुआ है और एक महीना पहले जो आपने देखा कि पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव की रंगत थी, लेकिन इसके समाप्त होते ही, लोकसभा चुनाव संपन्न होते ही हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव को लेकर के भी आहट तेज है और विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह गंभीर हैं जहां राजनीतिक दल, वहीं नेता यानी कि जो चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग हैं वो भी अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहे हैं। राजनीतिक दलों के नेता जिनको किसी पार्टी से टिकट की आस है और या फिर जिन्होंने सोच लिया है कि चुनाव लड़ना है, वो रोज अपनी नई रणनीति को नए सिरे से अंजाम दे रहे हैं। और इसी के अंदर ही आता है दोस्तों कि नेताओं द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ दूसरे विधानसभा क्षेत्रों पर नज़र रखना। और कई बार ये माना जाता है कि इस लिहाज से नेता ये टटोलते हैं कि उस विधानसभा क्षेत्र में हमारी क्या स्थिति है। अगर पार्टी कहीं हमारे पुराने विधानसभा क्षेत्र में हमें गंभीरता से नहीं लेती या वहाँ टिकट की बात नहीं बनती, तो फिर अगला विधानसभा क्षेत्र कौन सा हो सकता है। सारी बात का जिक्र आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि हरियाणा के पूर्व उद्योग मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं विपुल गोयल, उनको कल बल्लभगढ़ में और उससे पहले उनकी कुछ दिन पहले भी बल्लभगढ़ में बड़ी सक्रियता देखी गई और उसके बाद से राजनीतिक लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए कि क्या विपुल गोयल बल्लभगढ़ की तरफ भी देख रहे हैं। आपसे सारी बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि विपुल गोयल भारतीय जनता पार्टी में कद्दावर नेता हैं। लोकसभा चुनाव में भी विपुल गोयल कैंडिडेट थे, टिकट की उनकी डिमांड थी, टिकट मांग रहे थे और राजनीतिक हवाएं बड़ी तेज चलती थी और उस समय नाम आता था कि विपुल गोयल का नाम भी चर्चाओं में आ सकता है। लेकिन मुकद्दर के सिकंदर रहे कृष्णपाल गुर्जर ने इस लोकसभा चुनाव में भी विपुल गोयल को पटखनी दे दी लोकसभा चुनाव की टिकट के लिए। तो मैं आपको ये भी बताता चलूं कि 2019 के चुनाव में भी, जो 2019 का लोकसभा चुनाव था उसमें भी विपुल गोयल कैंडिडेट थे लोकसभा के। 2019 के चुनाव में भी विपुल गोयल की गाड़ी बदरपुर बॉर्डर से लेकर और करमन बॉर्डर के बीच चलती थी और उस समय ऐसा लगता था कि विपुल गोयल पूरी तरह गंभीर हैं लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। उनके जो एक्शन दिखाई देते थे वो भी कुछ ऐसा ही बयां करते थे। लेकिन 2019 के चुनाव में भी, जैसे अब 24 में हुआ कि कृष्णपाल गुर्जर ने लोकसभा टिकट के लिए विपुल गोयल को मात दे दी, ऐसा ही 2019 में भी हुआ था। और 2019 के अंदर एक बात और हुई थी दोस्तों कि लोकसभा चुनाव की टिकट में मात देने के बाद विपुल गोयल को कृष्णपाल गुर्जर ने विधानसभा चुनाव में भी पटकनी दी थी और विधानसभा चुनाव में ऐसी पटकनी दी थी कि उनको जो फरीदाबाद से जो विधायक थे, हरियाणा सरकार के जो उद्योग मंत्री थे, लोकप्रिय विधायक थे, उनकी लोकप्रियता का डंका था, लेकिन विपुल गोयल का टिकट कट गया था फरीदाबाद से 2019 में। विपुल गोयल का टिकट काट करके मिला था नरेंद्र गुप्ता को और ये पहली सूची में ही नरेंद्र गुप्ता का नाम आ गया था। जो विधानसभा प्रत्याशियों की भाजपा की पहली सूची आई थी उसी में ही नरेंद्र गुप्ता का नाम आ गया था और नरेंद्र गुप्ता विधायक बने फरीदाबाद से। 2019 से लेकर और अब 2024 चल चुका है, नरेंद्र गुप्ता फरीदाबाद से विधायक हैं और इस बीच में विपुल गोयल पहले काफ़ी टाइम तक शांत रहे, लेकिन अब लोकसभा चुनाव से ठीक 6-8 महीने पहले विपुल गोयल सक्रिय हुए थे और उन्होंने इतिहास की पुनरावृत्ति की थी, यानी कि 2019 की तरह 2024 में भी अपनी दावेदारी जताई थी लोकसभा चुनाव के लिए। मैंने आपको पहले ही बताया कि वो हो ना सका, लोकसभा की टिकट कृष्णपाल गुर्जर को ही मिली और कृष्णपाल गुर्जर सांसद बन गए। अब 2024 के लिए बात ये आ जाती है कि विपुल गोयल की दावेदारी कितनी गंभीर होगी विधानसभा चुनाव के लिए। राजनीतिक गलियारों में चर्चा होती है कि क्या अब की बार भी उनकी राह में कोई बाधा तो नहीं बनेंगे कृष्णपाल गुर्जर, और अगर बाधा बनेंगे तो कितनी बड़ी बाधा बनेंगे, और क्या इस सब को देखते हुए ही विपुल गोयल ने जो रुख किया है बल्लभगढ़ का, क्या उसके पीछे भी एक कारण है, और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा, क्योंकि बल्लभगढ़ से विधायक हैं मूलचंद शर्मा, वो आजकल के हरियाणा के उद्योग मंत्री हैं, यानी कि विपुल गोयल जो 2024 वाली सरकार से पहले, यानी कि दो
यानी कि विपुल गोयल जो पिछली मनोहर पाटन की सरकार में, पार्ट वन की सरकार में उद्योग मंत्री थे, तो आज मूलचंद शर्मा उद्योग मंत्री हैं। जितने कभी खास, जितने कभी गंभीर और सक्रिय विपुल गोयल हुआ करते थे 2014 से 19 वाली सरकार में, और आज उससे कहीं ज़्यादा गंभीर और सक्रिय है मूलचंद शर्मा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि विपुल गोयल की जो सक्रियता है बल्लभगढ़ में, वो क्या संदेश देती है आपको। बल्लभगढ़ की तरफ, विपुल गोयल की सक्रियता की तरफ आने से पहले आपको देखना होगा एक बार फरीदाबाद। मैंने आपको बताया कि 2019 के चुनाव में कृष्णपाल गुर्जर ने जब उनको लोकसभा चुनाव में चुनौती दी थी विपुल गोयल ने, तो फिर कृष्णपाल गुर्जर ने ऐसा किया था, ऐसा खेला कर दिया था कि विपुल गोयल विधानसभा चुनाव की टिकट से भी वंचित रह गए थे। नरेंद्र गुप्ता जो कभी विपुल गोयल के नज़दीकियों में हुआ करते थे, उनके दाएं बाएं रहा करते थे, उनको कैंडिडेट बना दिया गया था, उनको टिकट मिल गया था। अब 2024 के लिए, क्योंकि नरेंद्र गुप्ता तो पहले ही विधायक हैं, और अगर नरेंद्र गुप्ता के बारे में कहें तो भले ही उनकी कुछ भी कहा जाए, लेकिन मैं कोई ऐसी इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी उनकी नहीं मानता कि जिसमें नरेंद्र गुप्ता पर एकदम से विचार हो। तो नरेंद्र गुप्ता गंभीर दावेदार हुए पहले से ही। दूसरी बात आ जाती है कि कृष्णपाल गुर्जर और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, इनके नज़दीकियों में शामिल हैं अजय गौड़। अजय गौड़ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के राजनीतिक सलाहकार थे, राजनीतिक सचिव रहे, और उस समय रहे जब मनोहर सरकार पार्ट वन की सरकार जाने वाली थी, यानी कि शुरुआत थी जाने की, और दूसरी सरकार 2019 में उनकी बनी। लगभग एक साल भर पहले अजय गौड़ की वहाँ से रुखसती हुई, विदाई हुई, और ये कह करके हुई कि अजय गौड़ अब चुनाव की तैयारी करेंगे। जब नायब सिंह सैनी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने दोस्तों, तो उस समय नाम चला था कि अजय गौड़ भी हरियाणा भाजपा अध्यक्ष की दौड़ में शामिल हैं, लेकिन पंडित जी को उस समय नायब सैनी से पटखनी मिली। और अब जब दोबारा से चुनाव हुआ, मोहनलाल बड़ौली अध्यक्ष बने, अब जब दोबारा हरियाणा विधान भाजपा के अध्यक्ष का चयन हुआ और मोहनलाल बड़ौली अध्यक्ष बने, तब भी कहीं चर्चाएं थी अजय गौड़ की कि अजय गौड़ का नंबर भी लग सकता है, उनकी लॉटरी भी लग सकती है। अब अध्यक्ष बनने से तो पंडित जी चूक गए अजय गौड़ जी। बात ये आ जाती है दोस्तों, मैंने आपको बताया कि कृष्णपाल गुर्जर और मनोहर लाल खट्टर दोनों के बहुत खास और नज़दीकियों में शामिल हैं अजय गौड़। कृष्णपाल गुर्जर का चुनाव भी उन्होंने संभाला था, अब की बार भी और पिछली बार भी। इस लिहाज से, क्योंकि अजय गौड़ विधानसभा चुनाव की भी तैयारी कर रहे हैं ओल्ड फरीदाबाद सीट से ही, तो एक तरफ जहां नरेंद्र गुप्ता विधायक हैं, दूसरी तरफ अजय गौड़ की दावेदारी, ऐसे में विपुल गोयल के लिए दोहरी चुनौती बन जाती है ओल्ड फरीदाबाद की सीट पर। नेताजी उनसे नाराज हैं ही, नेताजी बोले तो कृष्णपाल गुर्जर। ऐसी स्थिति में क्या विपुल गोयल फरीदाबाद की टिकट ले पाएंगे, और क्या, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं कि क्या उन सबको देखते हुए ही विपुल गोयल ने रुख किया है बल्लभगढ़ का। बल्लभगढ़ विधानसभा का दोस्तों आपको बताऊं कि बल्लभगढ़ विधानसभा के अंदर ज़्यादातर जो लोग विधायक बने हैं, वो विधायक तो भले ही बल्लभगढ़ से बने, कुछ लोगों की वोट भी बल्लभगढ़ में होगी, लेकिन ज़्यादातर नेताओं का जो आवास है, आशियाना है, रहना है, वो फरीदाबाद में पड़ता है, यानी कि ओल्ड फरीदाबाद की सीट पर। फिर चाहे उनमें कुमारी शारदा राठौर रही हों और चाहे आज के मूलचंद शर्मा हैं। मूलचंद शर्मा का भी जो कार्यालय निवास सेक्टर 10-11 के बीच में पड़ जाता है, और शारदा राठौर का भी निवास बल्लभगढ़ में नहीं है कम से कम आज। इस लिहाज से विपुल गोयल की दावेदारी क्या बन सकती है। बड़ी बात एक और भी आ जाती है दोस्तों कि फरीदाबाद के, जैसे मैंने आपको बताया, इसके अलावा अगर ये कहें तो चुनाव लड़ने वाले नेताओं में भी बहुत सारे लोग शामिल हैं। मैं आपको जरूर बता देना चाहूंगा, इसमें एक दौर था 2000 के चुनाव के दौरान में, जब इंडियन नेशनल लोकदल ने मेवला महाराजपुर उस समय सीट हुआ करती थी जिसमें से आज ओल्ड फरीदाबाद बन गई, और वहां के जो नेता थे, व्यवसायी थे, वो थे विनय गुप्ता, और विनय गुप्ता को उन्होंने टिकट दिया था बल्लभगढ़ विधानसभा का। आपको इतिहास बताना चाह रहा हूं, और जो खासकर जो युवा पीढ़ी है जिनको उस पिछले बारे में कम पता होगा, तो उस समय उस चुनाव में, यानी कि 2000 से पहले जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में विनय गुप्ता को ओम प्रकाश चौटाला ने बल्लभगढ़ से कैंडिडेट बनाया, और उस समय मूलचंद शर्मा भी इनेलो पार्टी के अंदर युवा करते थे, और आप माने तो मूलचंद शर्मा ने पूरी तरह से
ओम प्रकाश चौटाला के निवास के बाहर में अपना धरना जमा दिया कि भाई मैं दावेदार हूँ, मेरी दावेदारी बनती है। लेकिन क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूँ कि फरीदाबाद के लोगों को लाया जाता रहा है, अगर इसके बाद आए तो फिर आनंद कौशिक को भी, जो ओल्ड फरीदाबाद से विधायक थे, उनको भी एक बार बल्लभगढ़ से विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया। और उसके बाद आए तो फिर लखन सिंगला, जो 2019 में फरीदाबाद से चुनाव लड़े, 2014 में भी वो फरीदाबाद से टिकट मांगते थे, लेकिन उनको 2014 में कांग्रेस ने बल्लभगढ़ से विधानसभा का चुनाव लड़ा। इस लिहाज से कह रहा हूं मैं कि क्योंकि बल्लभगढ़ के अंदर पहले भी फरीदाबाद के नेता आकर चुनाव लड़ते रहे हैं, ऐसे में विपुल गोयल की सक्रियता, विपुल गोयल की गंभीरता, विपुल गोयल का वहां लोगों से मेलजोल, ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है कि क्या विपुल गोयल बल्लभगढ़ से भी दावेदारी कर सकते हैं और क्या पार्टी उनको कंसीडर कर सकती है विपुल गोयल को बल्लभगढ़ के लिए भी। अब बात आ जाएगी कि अगर विपुल गोयल बल्लभगढ़ आएंगे तो फिर पंडित जी का क्या होगा। अगर कहीं ऐसा कुछ होता है दोस्तों कि विपुल गोयल को भारतीय जनता पार्टी कंसीडर करती है बल्लभगढ़ विधानसभा के लिए, तो उस स्थिति में पंडित मूलचंद शर्मा, जो लगातार दो बार विधायक हैं बल्लभगढ़ से, क्या उनको किसी और विधानसभा सीट पर भेजा जाएगा? ये बड़ा सवाल है और सवाल हम आपसे भी कर रहे हैं। आपके जवाब के हिसाब से हम भी आगे अपने दर्शकों को बताएंगे कि अगर ऐसा हुआ तो फिर कैसा होगा। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या विपुल गोयल अब की बार कृष्णपाल गुर्जर के चाबुक से बच पाएंगे? क्योंकि कृष्णपाल गुर्जर पिछली बार भी उनसे नाराज थे और अब की बार भी नाराज हैं, या विपुल गोयल, जो उनकी पार्टी में अपनी पैठ है, उसके चलते अब की बार अपनी टिकट बचा पाने में सफल होंगे? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।